हेलो गाइस, स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर करें। तो मूवी की स्टार्टिंग साउथ अफ्रीका के कोंगो रीजन से होती है, जहां पर दो रिसर्चर्स चार्ल्स और जेफरी एक नेल ब्लू डायमंड को ढूंढने के लिए गए थे, और अगर उन्हें वो ब्लू डायमंड मिल जाता तो वे अपने कम्युनिकेशन में एक न्यू रेवोल्यूशन ला सकते थे, और साथ ही में वे दोनों ट्रेविकॉम नाम की एक कम्युनिकेशन टेक कंपनी के लिए भी वर्क करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें अभी वहाँ पर ज्यादा डायमंड नहीं मिले होते, इसलिए चार्ल्स इस बात की इन्फॉर्मेशन टेक्सास में डॉक्टर रोज को देता है, जो कि चार्ल्स की फियोंसी भी थी। फिर चार्ल्स रोज से थोड़ी देर बाद कॉल करने के लिए बोलता है, जिसके बाद जेफरी के साथ घूमते हुए उसे वोल्केनो के पास एक रून सिटी मिलती है, और इसलिए उस जगह को देखने के लिए वे दोनों अब अंदर चले गए थे, जहाँ पर किसी वजह से जेफरी की अब डेथ हो गई थी और चार्ल्स मिसिंग हो गया था। वही अब सीन कट होता है और हम वापस टेविकॉम के हेडक्वार्टर में देखते हैं, जहाँ पर टेविकॉम कंपनी के हेड ट्रेविस आ चुके थे, जो कि चार्ल्स के फादर भी होते हैं। और जैसे ही वे सब वहाँ लगे कैमरास की फुटेज चेक करते हैं, तो तब उन्हें वहाँ पर काफी लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है, और साथ ही में अब उन्हें वहाँ पर एक वाइल्ड गोरिल्ला भी दिखता है, जिसे देख कर रोज अब काफी डर गई थी, और इस कारण वो इस बात को सभी को बताने के लिए बोलती है। लेकिन ट्रेविस ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि ये ऑपरेशन दरअसल एक सीक्रेट ऑपरेशन था, और उनके मना करने के कारण रोज काफी एंग्री हो जाती है कि उन्हें अपने बेटे से ज्यादा उन डायमंड्स की चिंता है। लेकिन उसके गुस्सा होने के बावजूद भी ट्रेविस किसी तरह से रोज को वहाँ जाकर सिचुएशन का पता लगाने के लिए मना लेता है। इसी बीच हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर पीटर एलिट को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट रिचर्ड के साथ मिलकर एक गोरिल्ला जिसका नाम एमी था, उसे डिजिटल साइन लैंग्वेज का यूज करके बात करना सिखा रहा था, और एमी को बात करता देख कर यूनिवर्सिटी में मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी उन पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। वही आगे हमें पता चलता है कि एमी को रात में हमेशा बुरे सपने आते थे, जिसकी वजह से पीटर को अब एमी की काफी चिंता होने लगती है, मगर जल्द ही उसे एमी की बनाई हुई जंगल्स की ड्रॉइंग्स को देखकर ये समझ आ गया था कि वो अब वापस अपने घर यानी जंगल में जाना चाहती है। नेक्स्ट डे पीटर ये बात जाकर अपने प्रोफेसर को बताता है, लेकिन वो एमी को वापस जंगल छोड़ने से मना कर देते हैं और बताते हैं कि कोई भी उसके इस काम के लिए उस पर पैसे नहीं लगाएगा। मगर तभी लकीली एक रोमानियन फिलैंथ्रोपिस्ट हरकमर होमोलका पीटर की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने एमी की ड्राइंग में वही सिंबल देखा था जो कि दरअसल उसके पास भी था। और जैसे ही इस बात का पता डॉक्टर रोज को चलता है, तो वो भी तुरंत पीटर के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, क्योंकि बिना पीटर की हेल्प के उसका वीजा यूजलेस था। स्टार्टिंग में पीटर ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन जब होमोलका उसे बताता है कि अब उसके पास फ्यूल के लिए पैसे नहीं है, तो तब रोज फ्यूल के पैसे देने को रेडी हो जाती है, मगर इसके बदले वो पीटर से उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, जिस पर कि पीटर को मजबूरन अब उसकी बात माननी पड़ी थी, और अब ये सभी कोंगो की ओर निकल गई थी, जिसके दौरान प्लेन में रोज पीटर से पूछती है कि वो एक गोरिल्ला को ही बोलना क्यों सिखा रहा है, जिस पर पीटर उसे कहता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ इसीलिए, और ये कहने के बाद वो रोज से पूछता है कि वो वहाँ पर उनके साथ क्यों जा रही है, जिस पर रोज उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना ही बताती है कि वो एक मिसिंग चीज को ढूंढने के लिए जा रही है। जिसके बाद जब वे सब सेंट्रल अफ्रीका पहुंचते हैं, तो तब रोज को वहाँ पर एरी वेंट्रो मिलता है, जिसे कि ट्रेविस ने रोज की हेल्प के लिए भेजा था, और जब वे सभी एयरपोर्ट से जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर अफ्रीका के सिविल वॉर के चलते प्रेसिडेंट की कार ब्लास्ट कर दी जाती है, जिसके कारण अब वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी, मगर लकली कैप्टन मुन्रो कैरी ने उन सभी को इस सिचुएशन से निकाल लिया था, लेकिन जल्द ही उन सभी को लोकल मिलिट्री अरेस्ट कर लेती है। हालांकि जल्द ही रोज ने उनके कैप्टन को पैसे देकर उन सभी को छुड़ा लिया था। आगे मुन्रो सभी को बताता है कि वो होमोलका एक बार फिर से जींस की लॉ सिटी को ढूंढने यहाँ आया है। फिर सभी प्लेन से आगे कोंगो की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन पर कुछ सोल्जर्स अटैक करने लगती है, इसलिए मुन्रो एमी को सुला देता है ताकि वो डरे ना। वही रोज अब उन सभी मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो सिर्फ कुछ ही मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर पाती है, जिस वजह से आखिर में वे सभी पैराशूट की हेल्प से प्लेन से नीचे कूद जाते हैं, और उनके नीचे पहुंचते ही अब उनका प्लेन भी उन मिसाइल्स के कारण ब्लास्ट हो गया था, जिसे देखकर पीटर उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस ना होने के कारण उसे उनके साथ ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसी
इसी बीच एमी उस जंगल को देखकर काफी खुश हो गई थी, जिसके बाद रात में रुकने के लिए सभी पास ही में वहाँ कैंप लगा लेते हैं। वहीं मुनरो होमोल्का से पूछता है कि रोज यहाँ क्यों आई है, जिस पर होमोल्का उसे कहता है कि इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। हालांकि मुनरो को ये जरूर पता था कि होमोल्का वहाँ पर जींस के डायमंड्स को ढूंढने आया है। दूसरी तरफ रोज अब अपने हेडक्वार्टर में कम्युनिकेट कर रही थी, जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो चार्ल्स के लोकेशन पर पहुँच चुकी है, लेकिन उसे वहाँ पर चार्ल्स कहीं नहीं दिख रहा। जिस पर ट्रेविस रोज को वार्न करते हुए कहता है कि उसे अपना वर्क जल्दी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जल्दी वोल्केनो एक्सप्लोड होने वाला था। और इससे पहले कि वो रोज से कुछ और बात कर पाते, एमी उनके डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण एक बार फिर से अब उनका कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर से टूट गया था। उस रात सभी वहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट डे तेज बारिश में ही आगे की ओर निकल जाते हैं, मगर तेज बारिश के कारण अब उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से सभी वहीं पर कैंप लगाने का डिसीजन लेते हैं। वहीं आगे जब वे सभी अगले दिन सोकर उठते हैं तो उन्हें वहाँ पास ही के एक ट्राइब के दो लोग मिलते हैं, जो कि अब उन्हें ये बता रहे थे कि उन्हें जंगल में एक रिसर्चर मिला है और वो शायद अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर वे सब उसके पास जाते हैं, जहाँ जाकर रोज उन्हें बताती है कि वो चार्ल्स का साथी बॉब है। बॉब के होश में आते ही वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहाँ पर एमी आ जाती है, जिसे देखकर बॉब अब काफी डर गया था। वो इतना डर गया था कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसके बाद अब सभी आगे का सफर बोट से तय करते हैं, जिसके दौरान रोज होमोल्का से जींस की सिटी के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताता है कि जींस की सिटी काफी समय पहले मिसिंग हो गई थी और अब उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है, मगर वो उन्हें बताता है कि उसे लगता है एमी को वो जगह पता है और वो उन सबको वहाँ तक जरूर ले जाएगी। लेकिन मुनरो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब एक फेक स्टोरी है। अब रात होते ही वे सभी काफी अलर्ट हो गए थे, क्योंकि रात के समय ही ज्यादातर जानवर शिकार पर निकलते हैं कि तभी बदकिस्मती से वहाँ मौजूद हिप्पोस उन पर अचानक से हमला कर देते हैं, मगर उनके हमला करने के बावजूद भी वे सब उन हिप्पोस से किसी तरह बच गए थे। नेक्स्ट डे वे सब अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जिसके दरमियान अब वे एक जंगल में पहुँच गए थे, जहाँ पर एक गोरिल्ला पीटर की ओर तेजी से आने लगता है, लेकिन पीटर कुछ रिएक्ट ही नहीं करता, इसलिए वो पीटर को कोई हार्म नहीं पहुँचाता। वही एमी भी अदर गोरिल्लास के पास जाने की कोशिश करती है, मगर वे उसे अपने झुंड में शामिल करने से मना कर देते हैं, जिससे कि एमी अब काफी अपसेट हो गई थी। फिर जब वे सब जंगल में आगे जाते हैं तो तब उन्हें वहाँ पर एक कैंप मिलता है, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसी बीच उन्हें वहाँ पर जींस की सिटी भी मिलती है, जिसे देखकर अब सभी काफी हैरान हो गए थे। वहीं अंदर जाने पर उन्हें वहाँ पर सोलोमन का किंगडम भी मिलता है, जिसके दौरान एक गाइड रोज को चार्ल्स का बैच देता है, जिसे देखकर रोज अब पीटर मुनरो होमोल्का और एक और आदमी के साथ अंदर चेक करने के लिए चली गई थी। वहीं रीचल डब बाकी लोगों के साथ बाहर ही रुक गया था कि तभी उन पर एक ग्रे गोरिल्ला अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए रिचर्ड अंदर पीटर के पास चला गया था, मगर इसके बावजूद भी वो मारा जाता है, क्योंकि रिचर्ड को उस गोरिल्ला ने काफी बुरी तरह से घायल कर रखा था, जिसके बाद वो गोरिल्ला बाकी लोगों पर भी अटैक करने लगता है, मगर इससे पहले कि वो उन्हें कोई चोट पहुंचा पाता, रोज उसे शूट करके मार देती है। फिर वे सभी एमी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाकर मुनरो अब अपने साथियों को मरा हुआ देख कर काफी डर गया था, क्योंकि कुछ ही देर पहले वे सभी सही सलामत थे। फिर मुनरो उनसे पूछने लगता है कि ये क्या चीज है, जिस पर होमोल्का उसे बताता है कि ये शायद किलर एप्स है, जो कि इस जगह की रखवाली कर रहे हैं, और शायद यही एक रीजन था कि आज तक कोई भी जींस के डायमंड्स को ढूंढ नहीं पाया। जिसके बाद वे सभी बाहर हाई टेक डिफेंस सिस्टम के साथ कैंप लगाते हैं, और रात होने पर जब वे गोरिल्लास उन्हें मारने के लिए कैंप के पास आ रहे थे, तो तब सेंसर्स उनका पता लगा लेते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिस वजह से अब वे सभी गोरिल्लास वहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट डे मुनरो देखता है कि सभी डेड बॉडीज वहाँ से गायब हो चुकी है, साथ ही में एमी और होमोल्का भी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वे सब उन्हें ढूंढने के लिए अब वापस जिन सिटी में चले गए थे, जहाँ पर पीटर को पता चलता है कि वहाँ के राजा ने ही इन गोरिल्लास को ऐसा खूंखार और इतना ताकतवर बनाया था, मगर जल्द ही इन गोरिल्लास ने उन सबको मार दिया, जिससे कि जींस की सिटी डिस्ट्रॉय हो गई। दूसरी तरफ अब वो वोल्केनो एक्सप्लोड होने लगा था, जिसके कारण सभी नीचे एक टनल में चले गए थे, जहाँ पर लकीली उन्हें होमोल्का भी मिल जाता है। वहीं एमी भी अब वापस कैंप पहुँच गई थी, जहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वहाँ से एक बैग लेकर वापस सिटी में चली जाती है, जिसके बाद सीन कट होकर पीटर और बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है, जो कि अब डायमंड्स की माइन में पहुँच गए थे, जहाँ पर उन डायमंड्स को देखकर होमोल्का काफी खुश हो गया था और इसीलिए वो अब उन्हें उठाने लगता है, मगर पीटर उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे गोरिल्लास उन्हें देख रहे होंगे। लेकिन होमोल्का उसकी एक नहीं सुनता और डायमंड्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है,
कि तभी वहाँ पर अचानक से काफी सारे गोरिल्लास उसे घेर लेते हैं और आखिर में उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं। होमोल्का को मारने के बाद अब वे गोरिल्लास एक एक करके सभी को मार रहे थे, लेकिन पीटर, रोस और मुनरो किसी तरह उनसे बचकर एक डायमंड माइन में जाती है, जहाँ पर रोस को जेफरी और चार्ल्स की डेड बॉडीज दिखती है, जिसे देखकर रोज अब काफी सैड हो गई थी कि तभी एक गोरिल्ला वहाँ आकर पीटर को पकड़ के सभी गोरिल्लास के बीच में ले जाता है और इससे पहले कि वे पीटर को मार पाते वहाँ पर एमी आ जाती है और पीटर को डिफेंड करती है, जिसके दौरान रोस ने अब उन डायमंड्स का यूज करके एक लेजर वेपन बना लिया था, जिसकी मदद से वे तीनों अब वहाँ से सेफली बाहर निकल गए थे और उनके बाहर निकलते ही वो वोल्केनो भी एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके कारण अब सभी गोरिल्लास उस माइन के अंदर ही मर गए थे। वहीं दूसरी तरफ कैंप में पहुंचकर अब रोज अपने हेडक्वार्टर से कम्युनिकेट करती है और ट्रेविस को बताती है कि चार्ल्स की डेथ हो चुकी है, मगर जब रोज को पता चलता है कि ट्रेविस को चार्ल्स की कोई परवाह नहीं तो तब वो उस लेजर गन का यूज करके ट्रेविकॉम की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। मूवी के एंड में एमी भी दूसरे गोरिल्लास के साथ चली जाती है, इसलिए पीटर उसे वहीं पर छोड़ देता है क्योंकि उसे पता था कि एमी का असली घर वही है, जिसके बाद अब वे सब एयर बैलून की मदद से वहाँ से जा रहे थे, जहाँ पर रोज पीटर को एक बचा हुआ डायमंड देती है, लेकिन पीटर उसे नीचे फेंक देता है। और इसी के साथ हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पर लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।